यूपी चुनाव को लेकर नोएडा से बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह का क्या कुछ कहना, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने। हमारे साथ इस समय पंकज सिंह जी हैं, जो कि अभी नोएडा में अपना जो है गौतम बुद्ध ने चुनाव करके उसके बाद जो है वो पूर्वांचल पे जिम्मेदारी है। पंकज जी, पहले तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो है आप लोगों के लिए कैसा रहा पहले तो? नहीं देखिए, दोनों फेज बहुत अच्छे रहे हैं और जो हवा वहां से चली है पश्चिम ब्रज से, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी को 300 पार और 350 के आसपास ले जाने में वही हवा काम करेगी। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से करहल में जो है अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि मैं पर्चा भर के जा रहा हूं और उसके बाद अब सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, उसके बावजूद उनको जो है कल मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ गया। परिवार का जो वो कह रहे थे कि एक परिवार का उनकी परिवारवाद में जो है अब वो फेस नहीं देना चाह रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी फैमिली को वहाँ पर एकत्रित करना पड़ गया उनको, क्या कहा? देखिए, करहल भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ एसपी बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इतना मैं आज कह सकता हूँ वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं, पूरे जोश में हैं और समाजवादी पार्टी का जो आतंक जो लोगों ने देखा है, अब और कोई नहीं चाहता कि अब उत्तर प्रदेश में वैसा आतंक कभी दोबारा आए, और ऐसे के लिए ही ऐसे आतंक आतंकियों भ्रष्टाचारी अपराधी ऐसे लोगों के ऊपर ही लगातार उनके ऐसे कारनामों पर गलत कारनामों पर योगी जी का बुलडोजर चलता रहे, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और इस बार भी चुनेंगे। आप कर्मभूमि आपकी जो है जरूर गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन जन्मभूमि और पैतृक भूमि आपकी पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में जिस तरह से जो बदहाल है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो आपकी सरकार की जो जो उपलब्धियां रहेंगी, जो उनके जो जन कल्याणकारी योजना है आवास से लेकर तमाम योजना है, क्या पूर्वांचल में ये सब कारगर होंगे अगला? नहीं, बिल्कुल होंगे। देखिए, 2014 के बाद से ही उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है, 17 में देखा है, हमने 19 में देखा है। मैं इस बार भी कह सकता हूँ कि लगातार लोगों से बातचीत होती है, लोगों के मन में यह विश्वास है कि यही सरकार है जिसने डेवलप करके दिया है, लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंची हैं। इन सब चीजों को लोगों ने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि इसको अब होते हुए देखा है, साकार होते हुए देखा है, तो लोगों का विश्वास खूब बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी और योगी जी पर। मैं समझता हूं कि वह सब वोट के रूप में अभिव्यक्त होंगे।